Now, DC machine. DC machine के करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं, ठीक है? चलिए, पहला टारगेट क्या होगा? रोटर को बनाना। ये आपका रोटर, ठीक है? हम रोटर पे क्या रखेंगे? देखो, रोटर पे हम रखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग और ये आपकी स्टेटर पे कौन सी होगी? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग आपका ऑन स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग ऑन स्टेटर, ठीक है? अच्छा, उसकी वजह से एक साइड सपोज करो नॉर्थ पोल और तो इस साइड क्या आ गया? साउथ पोल। ये आपका क्या है? क्यू एक्सिस और ये क्या आपका? डी एक्सिस, ठीक है? आर्मेचर को हमने यहाँ पे जो है सिंप्लिसिटी के लिए टू पोल मशीन कंसीडर कर लिया, एक तरफ ए तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ कंडक्टर ए डैश, अगर एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ए डैश, लाइक दिस वन। अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे कुछ सोचते हैं, ये हो गया आपका ब्रूस बी वन और ये हो गया आपका ब्रूस बी टू, ये बी वन और ये बी टू, ये बी वन और ये बी टू, बी वन बी टू ब्रूसेस और ये जो है कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है? यहाँ पे क्या? माइका इंसुलेशन। इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया C1 और ये क्या है? C2। तो C1 C2 क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट। C1 C2 किसके बने होते हैं? कॉपर के, और ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट। सेगमेंट या यहां पे क्या बोलेंगे इसको? सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है? और कैसे हैं ये? रोटेटिंग पार्ट है मशीन के, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। बी वन बी टू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? बी वन और बी टू ये किसके बने होते हैं? कार्बन के, कार्बन ब्रूसेस होते हैं, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? फिक्स्ड, ठीक है? ये फिक्स होते हैं, ठीक है? ये ए तो वो क्या है? ए डैश कंडक्टर है, नहीं? देखो ये कंडक्टर, ये टू पोल मशीन, तो ये अगर ए है तो ये क्या हो गया? ए डैश, ये ऐसा पार्ट है, ठीक है? चलिए, इस कंडक्टर को सी वन से अटैच कर दिया गया, ठीक है? लाइक दिस वन, और इस ए डैश कंडक्टर को हमने अटैच कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये अटैच होते हैं इससे एक दूसरे से, ठीक है? ए सी वन के साथ फिक्स होता है और ए डैश सी टू के साथ फिक्स होता है। बी जो बी वन और बी टू पे ये सी वन सी टू क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। मतलब अगर ये बी है तो ये सी वन जो होगा एक जस्ट लाइक ऐसा है तो ये इसके साथ टच करता है। अगर इसमें करंट जा रही है तो दूसरी तरफ से करंट आ रही है, तभी तो यहाँ पे क्या गया? माइका इंसुलेशन लगा दिया गया है। और ये सी वन जो कार्बन, ये किसका होता है? कॉपर का होता है। जो कम्यूटेटर बना होता है वो किसका होता है? कॉपर का, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं अब कैसा दिखेगा ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे? स्टेटर पे। तो खैर इनको हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, स्पेस हो जाएगा।
नहीं, जब जरूरत होगी फिर से बना लेंगे, ठीक है। चलिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ पे ई बी बी टू करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये चाहे, अब सपोज करो ये मशीन रोटेट करे, अब जब इसमें करंट जाएगी, अब देखो हमने बोला सिर्फ डीसी मशीन, डीसी मशीन का मतलब ये जब डीसी मशीन बोल रहे हैं तो ये कंसेप्ट दोनों के लिए अप्लीकेबल है, किसके लिए, मोटर और जनरेटर दोनों के लिए, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, करंट बाहर की तरफ इंड्यूस हो, मतलब बाहर की तरफ करंट निकलती है जनरेटर से, और मोटर में क्या होता है, सप्लाई से उसको करंट दी जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में, कंडक्टर में तो करंट होगी नहीं। तो अगर मान लो, सपोज करो यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे क्या है, डॉट है, ठीक है। एक में करंट देखो इसमें जा रही है, तो इसमें जब इसमें करंट जाएगी तो ये जो भी करंट, जो भी कम्यूटेटर है, ये C1 है, B1 में करंट जा रही है तो ये C1 के थ्रू कनेक्ट है A, तो A में करंट जाएगी और फिर A डैश से करंट वापस आएगी नहीं, और ये देखो ऐसे जाएगी तो इधर से वापस आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब फील्ड वाइंडिंग किस पे प्रोवाइड किया था, स्टेटर पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कंडक्टर में करंट आ गई तो इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा, इस पर फोर्स लगेगा नहीं, लेफ्ट हैंड, आगे चल के देखेंगे कितना फोर्स होगा क्या नहीं होगा। तो आपके फंडामेंटल ऑफ मशीन में तो हमने डिस्कस किया था कि भाई इसमें भी ये जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी कंडक्टर को रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या लगेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये रोटेशन होगा। तो जय हमने सपोज किया कि रोटेशन किसके करस्पॉन्डिंग, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, वो आगे चल के देखें किधर रोटेशन होगा इनके करस्पॉन्डिंग। अभी हम मान लेते हैं कि रोटेशन किधर है, लेट कर लिया लाइक दिस वन, कि ये रोटेशन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा ना इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो जिसकी वजह से रोटेशन होगा। जब ये रोटेशन होगा तो रोटेट करेंगे, और मान लिया कि डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग होगा तो पहले ये बताइए, जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा उस समय कैसा बनेगा, पहले दोनों को बना, अच्छा एक और चीज़ पहले इनको भी बना लेते हैं, बी, जो बी वेव होगी देखो कुछ इस टाइप की होगी नहीं, ये नॉर्थ पोल के अंदर में और ये साउथ पोल के अंदर में, देखो ये हो गया आपका कंडक्टर, आपका यहाँ पे है ए, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ए डैश, ये कितना है थीटा ई, ये कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा ई, ये कितना है बी थीटा ई, बी थीटा ई क्या खास बात हो, देखो पाई प्लस बी थीटा ई को क्या लिखना चाहेंगे, बी एम साइन पाई प्लस थीटा ई। अगर हमने बी थीटा ई को हमने किसके करस्पॉन्डिंग में लिख लिया, बी एम साइन थीटा ई के करस्पॉन्डिंग, तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस बी एम साइन थीटा ई, जो कि क्या है माइनस बी थीटा ई के बराबर, ठीक है। पहले कंडक्टर ए के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, तो पहले कंडक्टर ए के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। कंडक्टर ए के लिए देखो, एक तो रोटेशन स्टार्ट हो गया है, कंडक्टर ए के लिए पहले बनाएं, पहले शॉर्ट बनानी पड़ेगी, ये हो गई आपकी शॉर्ट, ठीक है, चलो जो भी है। अब इसके ऊपर आपका ये ए है और ये किसके अंडर में है, ऊपर वाला एन के अंडर में, और ये वाला किसके अंडर में है, एस के अंडर में नहीं। ये तो हम लोग ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ये ए और ये ए डैश,
करंट जा रही है, इसमें करंट आ रही है। अब देखो इससे पहले तो यहाँ C1 C2 बना लो, ये C1 है और ये आपका C2 है, यहाँ पे ब्रूस B1 और ये ब्रूस B2, ठीक है, ये B1 और ये B2, ठीक है, ये B1 और ये B2, ये EB1, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, EB1 और इसको EB2, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब इनको लाइक दिस वन इनके इससे अटैच कर दो, देखो ये इससे अटैच है C1 और ये A' किससे, C2 से, तो ये A' C2 से ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो क्रॉस और यहाँ पे दिखा सकते हो डॉट। अब क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। अब देखते हैं एन के अंडर में कौन है, ए, हमने क्या मान रखा था पॉजिटिव इसको, तो नॉर्मल सी बात है ये वाला क्या होगा नेगेटिव, नहीं देखो इसके अंडर में एन जो है अटैच है ए से, एन जो है अटैच है ए से, एस अटैच है ए डैश से, क्लियर। अच्छा ए से अटैच कौन है, ये C1 और ये C2, तो ए से अटैच कौन है C1, ठीक है, और C1 से अटैच कौन है B1, यहाँ से भी दिख सकते हैं C2 और ये क्या हो गया B2, तो इनके करस्पॉन्डिंग देखो EA दिस इक्वल टू EC1 दिस इक्वल टू EB1 ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे लिख लो EB1 दिस इक्वल टू EC1 दिस इक्वल टू EA दिस इक्वल टू। अब देखो ये रोटेट कितने वेलोसिटीज कर रहा है, V से, कंडक्टर की जो साइड कंडक्टर की लेंथ कितनी L और मैग्नेटिक फील्ड B थीटा ही है इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना तो फिक्स है, ये सभी क्या होंगे पॉजिटिव, नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव मान रखा है। अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस B थीटा E इंटू VL। अब इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये तो इतना तो फिक्स है निगेटिव, नहीं क्यों, क्योंकि B2 देखो निगेटिव है दैट्स वाई। अच्छा तो यहाँ पे EB2 दिस इक्वल टू EC2 दिस इक्वल टू EA डैश, ये किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस B थीटा E इंटू VL, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ पैसे लिखोगे प्लस में पाई प्लस B थीटा E इंटू VL, और अभी हमने देखा था ये किसके करस्पॉन्डिंग आया था माइनस B थीटा E के करस्पॉन्डिंग, तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो तब माइनस B थीटा E इंटू VL, नहीं देखो इस तो एक कंडक्टर पे ऐसा आ रहा था दूसरे पे दूसरे लिख लुक लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं यहाँ पे EB1 B2 दिस इक्वल टू EC1 C2 दिस इक्वल टू EA1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 2B थीटा E इंटू VL, ऐसा तो कर सकते हैं, नहीं अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, EB1 B2 हमको तो आउटपुट से मतलब है ना, तो आउटपुट में तो हमको यही चाहिए ना, ठीक है, तो क्या मिला हमको डबल मिलेगा जो भी है, ऐसे बना सकते हैं ये आपको ऐसे मिलेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग जो भी है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रोटेटिंग पार्ट का अच्छा आएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। EC1 C2 और EA1 AA' वो भी इसी करस्पॉन्डिंग मिलेगा, अच्छा बनाना चाहे तो उसको भी बना सकते हैं, यहाँ तो क्लियर है, पहले इनको बना लो फिर देखते हैं रो सेकेंड पार्ट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, पहले इसको बना लो ढंग से आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद देखते हैं क्या होता है,
कहने का मतलब है कि जब C1 कहाँ पे चले जाए C2 के करस्पॉन्डिंग, और C2 वाला कहाँ पे आ जाए, देखो C1 B2 के पास चला जाए और C2 B1 के पास, तब A कहाँ पे चला जाएगा, A डैश पे, और जो A डैश है वो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं देखो, हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम छोटा सा एक बना लेते हैं कि जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। ये लाइक दिस वन है, ठीक है, ये दिस वन, ये तो B1 B2 है, ये B1 और ये B2, यहाँ पे C2, यहाँ पे C1 होगा, नहीं ये C2, ये C1, ठीक है, साथ साथ समस्या ये है कि पहले रोटर बनाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ये बनाओ, अब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं ये A और ये, अब यहाँ पे डॉट, सॉरी यहाँ पे तो क्रॉस ही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट तो यही रहेगी क्रॉस, और ये डॉट, अब यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे ऐसे लिख लो A और यहाँ पे, सॉरी ये A डैश और यहाँ पे A, ठीक है। अभी भी देखो ये N के अंडर में है और ये किसके अंडर में है, S के अंडर में, ठीक है। और क्या चेंजेस होंगे, C2 और यहाँ पे C1 होगा। अभी भी करंट का डायरेक्शन देखो, प्लस ये माइनस, इसमें लाइक दिस वन और इसमें ये दिस वन और इसमें दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग अब बात करें यहाँ पे, तो ये बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, A डैश और A के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अब A किस में चला गया, S के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले S के अंडर में लिखते हैं, S के अंडर में कौन बनेगा, S के अंडर में A आ गया, देखो S के अंडर में A, S के अंडर में A, C1 S से अटैच है, देखो A किस से अटैच है, नॉर्मल सी बात है C1 से अटैच है तो परमानेंट है। हाँ ये B1 था और ये B2 था, लेकिन ये अब की बार B2 है, नहीं अब देखो ये B2 से अटैच है ना, ठीक है, और ये B2 क्या है, नेगेटिव, दैट्स वाई, नहीं तो यहाँ पे अगर आप EC1 की बात करें तो EC1 और EA1 EA इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, नेगेटिव आएगी, नहीं देखो, और दैट इज EB2 है, और ये सभी क्या मिलेंगे, नेगेटिव, इनकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, माइनस बी थीटा ई इंटू वी एल के करस्पॉन्डिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, नहीं कि C1 EC1 A और EB2 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये वाला पोर्शन तो ठीक है, इसके बारे में बात क्या करें, देखते हैं। देखो N के बारे में, N किससे अटैच है, A डैश से, किससे अटैच है, A डैश से। अगर इसी चीज़ को इस टाइप का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो जहाँ पे A था A डैश हो जाएगा, जहाँ पे A डैश था वहाँ पे A हो गया, ठीक है, जहाँ पे C1 था वहाँ C2, और जहाँ पे C2 था वहाँ पे C1, ठीक है, ये देखो, ठीक है, लाइक दिस वन। S में देख सकते हैं, S के साथ A, A के साथ C1, C1 के साथ B2, और देखो नेगेटिव ऐसा बनेगा, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ऐसा बन के आएगा। और N के अंडर में A डैश, और इसके अंडर में C2, और इसके अंडर में EB1, और ये क्या है, पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हैं क्या, EC2 चाहे इसे EA डैश EC2 EB1
दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, दैट इज प्लस बी थीटा ई इंटू वी एल. नहीं, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव था. हाँ, अब बताइए यहाँ पे ई बी वन बी टू करना हो तो क्या होगा, ई बी वन वैसे ई बी वन माइनस ई बी टू करेंगे. ई बी वन माइनस ई बी टू किसके करस्पॉन्डिंग, ई बी वन की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ई बी टू की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव. तो यहाँ पे बी थीटा ई वी एल माइनस माइनस प्लस, ई बी टू की वैल्यू क्या है, ई बी टू की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस माइनस बी थीटा ई वी एल. तो फाइनली क्या मिलेगा, टू टाइम्स बी थीटा ई वी एल के करस्पॉन्डिंग. क्लियर है. अब बताइए इस ड्यूरेशन में ये कैसा आया, देखो रेक्टिफाई हुआ कि नहीं. ये तो हम चाहते थे डीसी मशीन में कि आउटपुट में हमारा कैसा मिले, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग. रेक्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू होगी वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी. नहीं, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होके लाइक दिस वन, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब हाफ रिवोल्यूशन में लुक लाइक दिस वन, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद हमको ये मिल रहा है. तो वही तो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे ई सी वन सी टू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, थोड़ा हम और डिस्कशन चाहते हैं इनके करस्पॉन्डिंग भी. तो ई वन बी ई वन ई टू तो हो गए, इनको हटा देते हैं, पहले बना लो. ई बी वन बी टू तो हो गया, इन दोनों ही केस में आपको मिला टू बी थीटा ई इंटू वी एल के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग ए डैश आगे चल के काम आएगा, ई ए माइनस ई ए डैश आएगा. पॉजिटिव हाफ रिवोल्यूशन में तो ये देखो टू टू बी थीटा ई इंटू वी एल करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद ई ए की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, देखो ई ए माइनस में है, ठीक है, और ये प्लस में है. तो पहले तो ये फाइनली क्या मिले, टू बी थीटा ई इंटू वी एल करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है और इसकी प्लस में, तो माइनस माइनस दोनों माइनस है, दैट्स वाई. इसी तरीके से ई सी वन सी टू की वैल्यू बात करें तो ये कितना मिलेगा, ई सी वन माइनस ई सी टू, ये कितना आएगा इसको भी देख लेते हैं. सी वन कितना है पहले वाले में, पहले वाले में देखो लाइक दिस वन है, दूसरे वाले में सी टू कितना है, पॉजिटिव, तो ये भी उतना ही मिलेगा. मतलब ये भी टू माइनस टू बी थीटा वी एल के करस्पॉन्डिंग. मतलब ये हुआ कि ए ए डैस और ई सी वन सी टू दिस बी इक्वल टू माइनस टू बी थीटा ई वी एल, मतलब रिवर्स हो जाएंगे. अगर उनका ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा, यही बनेगा, इसी को आप ऐसे लिख दो, ई ए ए डैश आर ई सी वन सी टू, और इन सब की वैल्यू देखो पॉजिटिव हाफ रिवोल्यूशन में कैसी है, लुक लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये मिलेगा कुछ इस टाइप का, ऐसा ही तो मिलेगा. और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव मिल रहा है. तो पॉजिटिव वाले में देखो, इसको बनाना हो C1 C2 और A1 A2 करस्पॉन्डिंग दिखाना हो तो आप क्या दिखाओगे, पॉजिटिव वाले में आपको पॉजिटिव ये मिलेगा लाइक दिस वन, और नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब नेगेटिव का मतलब है आफ्टर हाफ साइकिल के बाद जब रिवोल्यूशन होगा तो चेंज होकर ये देखो माइनस में मिल रहा है, तो दैट्स वाई नेगेटिव. ठीक है, जबकि आउटपुट आपको जो मिल रहा है वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आपको ये मिल गई. क्लियर है, क्योंकि आगे चल के इनका भी काम है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना आ जाए कि सर वहाँ पे आपने ये बोला था ये जो भी चीज़ें हैं. तो ये जो है वैल्यू यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा टू बी थीटा ई ई, या यहाँ पे वी बी एम, वी बी टू वी एम इंटू वी एल
और इनके करस्पॉन्डिंग माइनस टू बी एम इंटू वी एल करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहले इनको बना लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ का तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे इनको ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि ये किसकी वजह से रेक्टिफाई हुआ, देखो लाइक दिस वन, क्या यहाँ पे डायोड वोड लगाया? नहीं, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हुआ किसकी हेल्प से? कम्यूटेटर, ये देखो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रशेस की हेल्प से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इसी जो है रेक्टिफाई किसके वजह से किया गया है? यूजिंग ब्रशेस एंड कम्यूटेटर, और इस रेक्टिफिकेशन को बोलते हैं रोटेशनल रेक्टिफायर और मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो इसी चीज़ को लिख लो, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, इसको कॉट करके इसको छोटा कर दो, इंड्यूस ईएमएफ इसी रेक्टिफाई फाई यूजिंग किसके? ब्रशेस एंड कम्यूटेटर, ऐसे कम्यूटेटर एंड ब्रशेस आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्रशेस, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कौन सा रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर या रोटेशनल रेक्टिफायर? रोटेशनल रेक्टिफायर आर मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, रोटेशनल रेक्टिफायर आर मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तब कब पॉसिबल है? जब ये तभी पॉसिबल होगा जब आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी हमको? रोटर पे, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे रखनी पड़ेगी? स्टेटर पे। दैट्स वाई इन डीसी मशीन ऑलवेज ये मस्ट कंडीशन है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी ही नहीं है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, मस्ट भी आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखनी पड़ेगी? रोटर पे, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ रखनी पड़ेगी? स्टेटर पे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसी चीज को लिख लो। सो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग मस्ट बी केप्ट ऑन रोटर। ठीक है, मस्ट बी केप्ट ऑन रोटर, तो हमको किस पर रखना पड़ेगा तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं। कम्यूटेशन में कहाँ पे था ये? देखो ए किसके अंडर में है? एन के अंडर में। देखो ये आप ऐसे बना सकते हो, हम बनाना चाह रहे हैं क्वाइल की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, दिस वन और ये दिस वन, ये एन के अंडर में और ये क्या है? एस के अंडर में, यही था। देखो ए एन के अंडर में और ए डैश किसके अंडर में? एस के अंडर में। तो ये ए के अंडर में, ये ए को दिखा सकते हैं और ये क्या है? ए डैश को दिखा सकते हैं, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा ए के अंडर में ये क्या था? पॉजिटिव, तो ये ऐसे दिस वन, और ये निगेटिव था, दैट्स वाई लाइक दिस वन। ठीक है, ऐसे भी दिखा दो। ठीक है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे C1 C2, मतलब जो ई C1 C2 की करस्पॉन्डिंग था वो किसके करस्पॉन्डिंग आया था? 2B θe, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2B θe इंटू वी एल करस्पॉन्डिंग। अगर सिंगल टर्न है तो 2B θe इंटू वी एल, और अगर एन टर्न है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन सी से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल अगर एन है तो। ठीक है, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग, ये तो हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है? ये माइनस प्लस पोलैरिटी, ये 2B θe इंटू वी एल अगर सिंगल है,
एन टर्न है तो नंबर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना है, अगर लिखना है इसको करस्पॉन्डिंग तो बी थीटा ई वी एल, और यहाँ पे भी बी थीटा ई वी एल। चलिए आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद चलिए एन के अंडर में कौन है, एन के अंडर में, अब देखिए एन के अंडर में एन डैश है, ए डैश, ठीक है, ए डैश है, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, लाइक दिस वन, ठीक है, ये ए डैश और इसके करस्पॉन्डिंग ए, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये है दैट इज बी थीटा ई वी एल के करस्पॉन्डिंग, और ये है ये भी बी थीटा ई वी एल इंटू वी एल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ई सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी आपको, ई सी की वैल्यू जो मिलेगी माइनस टू बी थीटा ई इंटू वी एल। अगर दिक्कत हो रही हो तो घूम जाओ, ठीक है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, बनाना चाहें पहले को ये क्या है, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आप देख लो पॉजिटिव था तो इस वजह से पॉजिटिव आया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग एस पोल में क्या आ गया था, नेगेटिव, तो दैट्स वाई लाइक दिस वन। अब इस घूम में अगर दिक्कत हो रही तो इसमें घूम के देख भी सकते हैं, कभी कन्फ्यूज़न हो ना कि सर पता नहीं क्या है। देखो माइनस इसको ई सी मान लो, ठीक है, माइनस ई सी, सॉरी इसको ई सी वन, ई सी वन, या ज़्यादा दिक्कत ना हो रही तो यही मान लो टू बी बी थीटा ई वी एल माइनस में, फिर इधर से जाए देखो माइनस ए प्लस, ये माइनस ए प्लस, सेम वही चीज़ है वी एल, और यहाँ पे प्लस से माइनस ई सी, दिस बी इक्वल टू जीरो, तो ई सी की वैल्यू क्या मिलेगी, टू टाइम्स बी थीटा ई इंटू वी एल, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ए पहले में एन के अंडर में और ए डैश एस के अंडर में था, तो दैट्स वाई। अब आते हैं इनके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी देखो क्लियर है, एन के अंडर में जब एन के अंडर में था तो पॉजिटिव था, तो वही चीज़ हमने दिखा दी कि लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये ए डैश है तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब नहीं, ए डैश एन के अंडर में वो तो पॉजिटिव, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरी चीज, जो ये एस है वो नेगेटिव था तो उसके करस्पॉन्डिंग दिस वन, तो ये आप घूम कर देख लो, इसमें भी ये देखो प्लस है, ऊपर से देखो प्लस, नहीं दोनों इधर से जाएंगे, प्लस जो भी है ई सी वन प्लस ई सी टू, ठीक है, प्लस ई सी जिस इक्वल टू जीरो, तो ई सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस ऑफ ई सी वन प्लस ई सी टू, और इन दोनों की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, तो पुट करके देख लो वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ब्रूसेस आर लोकेटेड लोकेटेड अलोंग किसके अलोंग, डी एक्सिस, डी एक्सिस के अलोंग अगर रखते हैं तो क्या फायदा फर्क पड़ता है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए उसके पहले ये बताइए, जो हमने बनाया था लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग दिस वन और ये दिस वन, यही था हमारा आया था, यही चीज़ थी, ठीक है, ये हमारा क्या था C1, और ये क्या था हमारा C2, ठीक है, ये C1 और ये C2, ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट C1 C2। अच्छा, इनके बीच में हमने यहाँ पे क्या भरा था, माइका इंसुलेशन, ठीक है, माइका इंसुलेशन, इंसुलेशन यहाँ पे रख दिया था जिससे ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा था, नहीं तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसीलिए माइका इंसुलेशन यहाँ पे पुट किया था, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये माइका इंसुलेशन वाला है ना, कि जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा C1 C2।
अब होगा क्या, ये ए था और ये ए डैश के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब जब ये रोटेशन होगा, अब देखिए ये जब यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पे आएगा, तब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहला यार रोटर बनाते हैं, ये वही चीज़ है सब कुछ सेम, इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या है साउथ पोल। अब ये रोटेट करके ऐसे पहुँचेगा ना, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कंडक्टर ए यहाँ पे और ए डैश यहाँ पे पहुँचा, और ये क्या आपका इनके करस्पॉन्डिंग, लोकेट कर दो पहले, ये आपका ब्रूस बी वन और यहाँ पे ब्रूस बी टू, बी वन बी टू में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, ये तो ओटीज रहेंगे, ये आपका बी वन और ये बी वन, बी वन और ये बी टू, इसमें तो चेंजेस नहीं होंगे। हाँ अब ये बताइए, जब ये पोर्शन यहाँ पे आएगा और ये पोर्शन यहाँ पे पहुँचेगा, नहीं देखो साथ साथ इनको भी ऐसे अटैच और इनको भी ऐसे अटैच कर दो, अब हो गया, होगा क्या जो माइका इंसुलेशन, अब देखो दोनों को टच करेगा ना इस कंडीशन में, देखो जब ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, उस कंडीशन में देखो जब ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, तो ये यहाँ पे पहुँचेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे सी वन सी टू, ऊपर क्या मिलेगा, देखो ये पोर्शन पूरा C1 था और ये इधर C2, तो ऊपर C1 और नीचे C2, ठीक है, तो ये हो गया ऊपर का C1 और नीचे C2। और अब माइका इंसुलेशन आया इनके टच में, ब्रूसेस के टच में, नहीं उस कंडीशन में क्या मिलेगा, देखो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये देखो ब्रूस B1 B2, ये आपका C1 वाला पोर्शन है और ये वाला C2 है, ये C1 और ये C2 टच कर रहे हैं, उस समय दोनों ही क्या करें, दोनों ही क्या होंगे शॉर्ट सर्किट होंगे, कब जब दोनों ब्रूस को टच करेंगे, नहीं दोनों एक साथ टच करें, पहले क्या था देखो पहले दोनों अलग अलग थे, जब ये दोनों टच करेंगे कब, जब ये जब डी एक्सिस के लॉन्ग रखा और क्वाइल कहाँ पहुँची क्यू एक्सिस के लॉन्ग, देखो क्वाइल जब पहुँची क्यू एक्सिस के लॉन्ग, तब आपको शॉर्ट सर्किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब उस समय कॉयल कैसी हो रही है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, देख रहे हो, क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे टच करेंगे, ये माइका इंसुलेशन एक छोटा सा ऐसे पर्सन है, अब ये दोनों को टच करेंगे, मतलब अगर इधर से करंट क्रॉस में है तो इधर से डॉट में, ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसको बना सकते हैं ऐसे, उस समय ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये पूरा का पूरा क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया ना, अभी करंट का तो पता नहीं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बस इतना तो फिक्स है कि ये पूरा क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, देखो कैसे होगा शॉर्ट सर्किट, अब ये करंट ऐसे देखो ये दिस वन दिस वन दिस वन, पहले इधर से करंट जा रही इसके करस्पॉन्डिंग कर रही थी, लेकिन अब की बार क्या होगा देखो शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तब देखते हैं क्या होगा, तो पहले ये बताइए जब डी एक्सिस के अलॉन्ग रखा है तो क्वाइल कब शॉर्ट सर्किट हो, जब वो क्यू एक्सिस के अलॉन्ग जब क्यू एक्सिस के अलॉन्ग जब क्वाइल पहुंची तब क्या हो गई शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है, तो पहले उस चीज को लिख लेते हैं, क्वाइल इज शॉर्ट सर्किटेड along किसके along क्यू एक्सिस के along, ठीक है, जब क्यू एक्सिस के along शॉर्ट सर्किट हो गई, ये बताइए पहले इसको बनाते हैं, ये क्या था आपका n और ये s था, पहले इन्हीं को बना लेते हो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझना चाहता है इसमें दिस वन दिस वन ऐसा ही कुछ, ठीक है, ये क्या था बी थीटा ई, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग आपको ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला एन, और इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये क्या है एस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग बना दो,
ये एन और ये एस, ये बताइए ये क्या था आपका, क्यू एक्सिस? नहीं देखो ये क्या था, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग, ये क्यू एक्सिस, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यू एक्सिस, तो ये क्या था आपका, क्यू एक्सिस, और ये क्या है आपका, क्यू एक्सिस, नहीं डी एक्सिस इसके अलॉन्ग है, डी एक्सिस इसके अलॉन्ग है, नहीं डी एक्सिस यहाँ पे। अब ये बताइए जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे बी क्यू कितना है, बी क्यू की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? देखो क्वायल ए कहाँ पे पहुँची, दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ए डैश यहाँ पे। आप क्या करो ए और ए डैश को बना दो, ये ए और ये क्या आपका ए डैश, ये ए और ये आपका ए डैश करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉस डॉट उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इतना तो फिक्स है कि जब ए एक क्वाइल ए के करस्पॉन्डिंग दूसरी ए डैश के करस्पॉन्डिंग पहुँचेगी। क्वाइल की बात करें तो ए डैश पे, अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो एक कंडक्टर ए पे तो दूसरा ए डैश पे पहुँचेगा। इतना तो क्लियर है। अच्छा अब इसका क्या एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, जब ये इसके अलॉन्ग होगा तो ये बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई, नहीं तो बी थीटा ई किसके करस्पॉन्डिंग होता है, पहले बताओ बी थीटा ई हम किसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, बी बी एम साइन थीटा ई ये लिखते हैं, लेकिन अगर बी थीटा ई की जगह पाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी एम साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे बी थीटा ई, बी थीटा ई क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, नहीं यहाँ तो क्लियर है कि इस कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग जब कंडक्टर क्यू एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इनके इनके करस्पॉन्डिंग तो कुछ इसी कंडीशन होगी। अच्छा थोड़ा ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट थोड़ा बनाते हैं, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कैसा होगा, देखो ये क्वायल है ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट है, हम कुछ इस टाइप का बना सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इस क्वायल के करस्पॉन्डिंग जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ईसी करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ये शॉर्ट सर्किट है कोई दिक्कत नहीं, इसमें करंट क्या होगी आईसी, आईसी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, नॉर्मल सी बात है ईसी डिवाइडेड बाई आरसी, जो भी क्वायल का रेजिस्टेंस होगा, नहीं इस ड्यूरेशन में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो बताइए जो करंट होगी ईसी डिवाइड बाई आरसी होगी, नहीं जो क्वायल में इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई आरसी जो रेजिस्टेंस होगा क्वायल का। इतना तो फिक्स है रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है उस ड्यूरेशन में, ईसी डिवाइडेड बाय आरसी आपने कर दिया। अब ये बताइए कि आर जो रेजिस्टेंस है वो तो बहुत ही कम है, जब रेजिस्टेंस बहुत ही कम है ठीक है आरसी टेंस टू क्या है ज़ीरो, तो ये बताइए ये किसको किस आईसी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, लार्ज करेंट हो जाएगी, जब ये बहुत ही कम है रेजिस्टेंस तो करंट क्या होगी लार्ज। अरे भाई आरसी की वैल्यू अगर मान लो 0.00001 ओम है, मतलब 10^-4 है, तो ये करंट क्या हो जाएगी लार्ज होगी कि नहीं होगी, 10^+4 मतलब 10 किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर पे ये क्या हो जाएगा बर्न कर जाएगा, नहीं रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या मिलेगी लार्ज मिलेगी, जिसकी वजह से ये को क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, कब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, अगर हमने डी एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, इसको डी एक्सिस के अलॉन्ग रखा है और क्वायल कहाँ पहुँच गई क्यू एक्सिस के अलॉन्ग, तो उस कंडीशन में हमको कैसा मिलेगा लाइक दिस वन। अब एक और चीज़ एक चीज़ पर नजर ही नहीं गई, क्योंकि आरसी ईसी पे भी तो डिपेंड करेगा भाई, वोल्टेज पे भी तो डिपेंड करेगा, ईसी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, देखो ईसी की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, बी थीटा ई वी एल, अगर नंबर ऑफ टर्न एन है सॉरी ए वन है, अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो nc हो जाएगा, नहीं अच्छा इतना तो ठीक है कि जो भी वैल्यू होगी कुछ इसी के अलॉन्ग होगी, ये कितनी थी 2 times थी ना, जो भी है 2 times थी। अब इस केस में कुल मिला जुला कि एक चीज़ तो फिक्स है कि v, l, nc ये तो खैर वेलोसिटी है, l है लेंथ होगा ही, नंबर ऑफ टर्न तो होगा ही, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ec, ec की वैल्यू किस पे डिपेंड कर, बी थीटा ई पे, और बी थीटा ई जब यहाँ पे पहुँचा है कहाँ पे ए पे मतलब क्यू एक्सिस के अलॉन्ग क्वायल, तो उस समय बी थीटा ई कितना है ज़ीरो, नहीं
उस समय बी थीटा ई किसके करस्पॉन्डिंग है, बी पाई के, ऐसे लिखोगे ना एलोंग पाई वी एल इंटू एन सी करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, जीरो। तो आई सी क्या मिलेगा आपको उस ड्यूरेशन में, आई सी की वैल्यू, अब मान लो ऊपर जीरो और नीचे पॉइंट जीरो 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 वन है, अब बताइए क्या मिलेगा, जीरो। ऊपर तो जीरो है और नीचे अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, और ऊपर जीरो, तो क्या मिलेगा हमको आंसर, जीरो। तो आई सी क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, इतना तो फिक्स है कि अगर हम ऐसा कुछ कर दें, ऐसा कुछ कर क्या दें, अगर डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहा है तो हमको फायदा नज़र आ रहा है कि क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो होगा ही भाई। देखो चाहे इसको डी एक्सिस के लॉन्ग रखो चाहे क्यू एक्सिस के लॉन्ग रखो, शॉर्ट सर्किट कंडीशन तो बनेगी ही नहीं, जब ये जब आपने यहाँ पे रखा है तो जब यहाँ पहुँचेगा तब शॉर्ट सर्किट होगा, और या इसके करस्पॉन्डिंग रखेंगे तब भी तो शॉर्ट सर्किट बनेगा। तो पहले फिलहाल इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो हमको क्या निकल के आया कि जब ये क्यू एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट बन रहा है कहाँ पे, डी एक्सिस पे, सॉरी शॉर्ट सर्किट जब इसके डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं तो क्वाइल शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रही है, क्यू एक्सिस पे। तो उस कंडीशन में हमने सर्किट बनाया लाइक दिस मैन करस्पॉन्डिंग, तो हमको करंट क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ईसी की बात करें, ईसी की बात करें तो उस समय ईसी कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। इस वजह से हमको करंट कितनी मिलेगी, शॉर्ट सर्किट करंट जीरो मिलेगी, कब, जब डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं। तो इतना तो फिक्स है कि अगर डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं तो जब ये कॉयल क्यू एक्सिस के लॉन्ग पहुँचेगा तो उस समय जो जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनेगी उस समय हमको शॉर्ट सर्किट करंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, एडवांटेज है नहीं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, चलो इसको पहले बना लो फिर इसका लिख देते हैं इसको क्या, कि ये क्या हो गया था शॉर्ट सर्किट, जो इन दोनों का वोल्टेज था वो यही वोल्टेज है यहाँ पे जो जनरेट होगा था ना, तभी तो आएगा करस्पॉन्डिंग दिस पर। तो इसमें जब घूमेंगे तो जो वोल्टेज आएगा नहीं, जो वोल्टेज टू टाइम्स मिला था वही तो वोल्टेज हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट्स वाई। तो इतना तो फिक्स है कि अगर डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं कॉयल को, सॉरी किसको, ब्रश को, अगर डी एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं तो कॉयल जब 90 डिग्री मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पहुँच रही है तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब क्यू एक्सिस के लॉन्ग पहुँच रही है तो उस समय हमको जो शॉर्ट सर्किट करंट क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, अब थोड़ा सा और डिटेल कर लें कि भाई हो सकता है कि दूसरी जगह रखने में भी फ़ायदा हो जाए, नहीं माइंड में आ रहा है ना कि भाई इसके लॉन्ग रखा तो क्या फ़ायदा है, अब इसके लॉन्ग तो अब इसके लॉन्ग रखते हैं तब देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। अब क्या करेंगे, इस ब्रश को उठा के कहाँ पे कर दो, यहाँ पे, देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। जब ब्रश को इसके लॉन्ग कर देंगे, देखो दिस वन ये हो गया दिस वन, और ये हो गया आपका ब्रश दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो B1 B2 हट जाएगा नहीं, देखो B1 B2 तो हट जाएगा, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये आपका B1 और ये आपका B2, इसको B1 और इसको B2 नाम दे दिया। ठीक है, बताइए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका C1 और ये आपका C2, और ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। इसके लिए फिर से ये सब हटाओ, क्यू एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ठीक है, क्यू एक्सिस के लॉन्ग, देखो ये क्यू एक्सिस के लॉन्ग हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं ना, तो ये बन गया लाइक दिस वन। अब ये बताइए जब क्वायल कहाँ पहुँची, डी एक्सिस के लॉन्ग नहीं, डी जब डी एक्सिस के लॉन्ग होगी तभी तो शॉर्ट सर्किट होगी कंडीशन। देखो जो भी है क्वायल, ये देखो दिस वन, ये दिस वन ऐसे ही था, दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस वन ठीक है, और ये दिस वन और ये दिस वन करस्पॉन्डिंग यही था। ठीक है, ये ए डैश और ये ए के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये ए और ये ए डैश के करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन। ठीक है, ये एन के अंडर में है और ये एस के अंडर में है, पोलरिटी दिखाना हो तो इसकी क्या मिली थी, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग
और यहाँ पे क्या था माइनस और ये प्लस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ऐसा ही थी नहीं बी थीटा ई वी एल के करस्पॉन्डिंग बी थीटा ई वी एल के करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा ही था हमको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना है हमको इसमें देखना है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ये आपका क्या था कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट यही था ये सी वन और ये सी टू ये सी वन और ये सी टू अब बताइए जब ये क्वाइल इनके करस्पॉन्डिंग पहुंचेगी तब देखो ये दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे नहीं जब क्वाइल किसके करस्पॉन्डिंग पहुंचेगी डी एक्सिस के अलॉन्ग तब ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट मतलब देख रहे हो उसमें भी 90 डिग्री पे और इसमें भी 90 डिग्री पे नहीं कि 90 डिग्री पे पहुंचते हैं दोनों क्वाइल ब्रूस से 90 डिग्री पहुंचते तभी तो शॉर्ट सर्किट हो रही है आ जाता है क्वेश्चन कि ब्रूस जब ब्रूस को डी एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं तो क्वाइल कहाँ पे होती है शॉर्ट सर्किट क्यू एक्सिस के अलॉन्ग और जब क्यू एक्सिस के अलॉन्ग ब्रूस रखते हैं तो क्वाइल कहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगी डी एक्सिस के अलॉन्ग देख रहा नहीं उस समय होगा ना ये देखो दिस वन और ये दिस वन देखो यहाँ पे नहीं ये C1 और ये C2 उस समय शॉर्ट सर्किट होगा कंडीशन तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन कब बन रही है जब ये D एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है क्वाइल ठीक है तो क्वाइल शॉर्ट सर्किटेड अलॉन्ग किसके अलॉन्ग जब क्यू एक्स डी एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है तब तो इस चीज़ को लिख सकते हैं क्वाइल शॉर्ट सर्किट अलॉन्ग किसके डी एक्सिस जब क्यू एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं तो डी एक्सिस के अलॉन्ग क्या होती है शॉर्ट सर्किट यहाँ तो कोई डाउट नहीं आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं अब बताइए जब शॉर्ट सर्किट होगी ये दोनों शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा ये ब्रूस हो गया आपका अब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट देखो ये दिस वन शॉर्ट सर्किट करंट होगी अब वो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो इनके करस्पॉन्डिंग आईसी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी देखो आईसी की वैल्यू ईसी डिवाइडेड बाई आरसी जो भी रेजिस्टेंस होगा क्वाइल का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग आएगा कि नहीं आएगा देखो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग ये शॉर्ट सर्किट तो आईसी की वैल्यू आ गई जो भी है प्लस माइनस ईसी जो भी आएगी ईसी की वैल्यू क्या होगी टू टाइम्स ईसी की वैल्यू फिर वही टू बी थीटा ई वी एल डिवाइड बाई आरसी फिर वही आईसी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बी थीटा ई पे अब देखते हैं बी थीटा ई है कितना जब इसको डी एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं देखो ये तो एन और एस तो वही है इसमें तो थोड़ी चेंजेस हुए हैं ये तो वही है अभी भी चलो ये आपका एन और ये आपका एस के करस्पॉन्डिंग ये एन पोल के करस्पॉन्डिंग ये एस पोल के करस्पॉन्डिंग जो भी जनरेट होगा यहाँ पे क्वाइल आपकी बार कहाँ है देखो डी एक्सिस के लॉन्ग ये आपका क्या था डी एक्सिस और यहाँ पे आपका क्या था क्यू एक्सिस ठीक है और ये आपका क्या था दैट इज डी एक्सिस फिर यहाँ पे क्यू एक्सिस ठीक है अब देखो जब डी एक्सिस के अलॉन्ग पहुँचेगा एक यहाँ पे है तो दूसरा वाला कंडक्टर कहाँ पे अगर ये ए है तो ये क्या है ए डैश दोनों पे ही ये कितने डिग्री है 90 डिग्री पाई बाई टू है कि नहीं पाई बाई टू डिग्री पे है ना मतलब मैक्सिमम है ना बी थीटा ई क्या मिलेगा मैक्सिमम तो बी थीटा ई मतलब बी थीटा की जगह ई की जगह पाई बाई टू दैट इज़ बी एम साइन पाई बाई टू और इसकी वैल्यू कितनी है बी एम साइन पाई बाई टू की वैल्यू पाई बाई टू की वैल्यू वन तो ये हो गया बी एम ठीक है तो ये क्या मिलेगा टू बी एम वी एल इन टू एन सी एन सी भी ले सकते हो चाहो तो डिवाइड बाई आर सी अब ये बताइए यहाँ पे करंट तो मैक्सिमम मिलेगी क्यों
क्योंकि ये ई सी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा ना किसके अलॉन्ग, जब ये डी एक्सिस के अलॉन्ग पहुँचेगी कॉइल, नहीं तो उस समय ये क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब दैट इज टू टाइम्स बी एम वी एल इंटू एन सी करस्पॉन्डिंग। अब ये जब मैक्सिमम मिलेगा तो व्हाट अबाउट करंट, करंट कितनी हो जाएगी, ई सी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर सी, तो बहुत ही कम है भाई, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस समय रेजिस्टेंस कॉइल का कितना है, रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम है। और नीचे अब ऊपर मान लो कि ये आया कितना 200 वोल्ट और नीचे कितना है 0.0001, ठीक है, कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 टू पावर प्लस 4, बहुत ज़्यादा वो करंट आ गई। अब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो सकता है, मतलब कॉइल आपकी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, नहीं आई स्क्वायर आर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा बर्न कर जाएगा। तो अब बताइए, हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि ब्रूस को चाहे डी एक्सिस के अलावा रखो, चाहे क्यू एक्सिस के, चाहे किसी करस्पॉन्डिंग रखो, कॉइल को तो शॉर्ट सर्किट होना ही फिक्स है। जब कॉइल को शॉर्ट सर्किट होना फिक्स है तो हम क्यों ना कहाँ पे रखें, ज़्यादा एडवांटेजेबल है, जब हम किसके अलॉन्ग रखेंगे, जब डी एक्सिस के अलॉन्ग रखेंगे तभी एडवांटेजेबल है, क्योंकि उस समय शॉर्ट सर्किट करंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, क्योंकि उस समय जो बी एम है, जो बी थीटा ई है, वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, जीरो, नहीं वहाँ पे ये क्या मिला था, जीरो मिला था, तभी तो एडवांटेज है। देखो जीरो मिला है यहाँ पे, और जब कॉइल यहाँ पहुँची और एक दूसरे वाली यहाँ पे, तो आपको बी थीटा ई क्या मिला था, जीरो मिला था, अपने आप जीरो मिल गया था, जिसकी वजह से कॉइल बर होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नहीं, कि कॉइल को अगर अगर ब्रूस को रखना है तो कहाँ रखें, डी एक्सिस के लॉन्ग, क्यू एक्सिस के लॉन्ग, तो कभी गलती से भी नहीं रखना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों डी एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, क्योंकि जब आप डी एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं तो क्यू एक्सिस के लॉन्ग जब कॉइल पहुँचता है, उस समय जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट कितनी मिलेगी उस कॉइल में, जीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जीरो है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो इसको बना लो पहले, तब फाइनल लिख लेते हैं। ठीक है, तो करंट उस समय क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, देखो मैक्सिमम मिलेगी, लार्ज करंट मिलेगी, तो लार्ज करंट की वजह से डैमेज हो, पहले इसको बना लो फिर इसके बाद बनाते हैं, लिखवाते हैं। ठीक है, हेंस ब्रूसेस आर फिजिकली लोकेटेड लोकेटेड अलोंग किस एक्सिस के रखना पसंद करेंगे, डी एक्सिस। क्यों, क्योंकि कॉइल जो होती है शॉर्ट सर्किट होती है ना, बिकॉज ऑफ कॉइल शॉर्ट सर्किट अलोंग किसके अलोंग होगी, क्यू एक्सिस के। ठीक है, क्यू एक्सिस के अलोंग कॉइल क्या होगी, शॉर्ट सर्किट। अब इस ये जो हमने बोला है फिजिकली लोकेटेड, मतलब अगर हम डी एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे फिजिकली, उसको डी एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है, लेकिन फंक्शनली रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है उसको, क्यू एक्सिस के लॉन्ग। देखो उसका क्या मतलब है, लाइक दिस वन, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी इसको बोल दिया गया है, जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर्किट में, ये ए वन और ये ए टू, तो ये जो ब्रूस है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, नहीं, और ये देखो डी एक्सिस होती है और ये क्यू एक्सिस होती है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जस्ट लाइक। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि फंक्शनली रिप्रेजेंट लाइक इसको क्यू एक्सिस के करस्पॉन्डिंग करते हैं, लेकिन फिजिकली रखते हैं किसके अलावा, डी एक्सिस के अलावा। अब ये वर्ड चल गया है तो चल गया है, दैट्स वाई। ठीक है, अदरवाइज चूंकि स्टैंडर्ड बुक जो है कुछ इस टाइप की लिख देते हैं तो कन्फ्यूज मत हो जाना। तो वो जो लिखता है ना ऐसे बना सर्किट बनाता है ऐसे करस्पॉन्डिंग, ये क्यू एक्सिस है और डी एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, स्पेशली नागराथ कोठारी को प्रीफर करेंगे तो उसमें, और ये आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड प्रीफर करेंगे तो वो यही है। ठीक है, तो फिजिकली डी एक्सिस के अलॉन्ग रखा जाता है, लेकिन रिप्रेजेंट किसके अलॉन्ग करते हैं, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग करते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ को लिखना चाहो तो लिख लो ब्रूस आर, ब्रूसेस आर फंक्शनली along q axis represent करते हैं, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन, लेकिन फिजिकली इसके करस्पॉन्ड करते हैं। तो क्लियर हो गया कि अगर अगर हम ब्रूस को डी एक्सिस के अलावा रखेंगे तभी एडवांटेजेबल है, अदरवाइज डिसएडवांटेज है। तो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, चलो इसको बना लो अब। और ये कभी माइंड में नहीं आना चाहिए कि ऐसे बना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि सर वो उसमें ऐसे बनाया तो इसका मतलब ये, कहीं लिखा भी हो तो वो एक्चुअली तो उसका मतलब होता है कि वो डी एक्सिस के लॉन्ग है लेकिन रिप्रेजेंटेशन है वो बस, ठीक है, अदरवाइज बस एक कदन है, कोई चीज़ चल जाती तो बस चल जाती, लेकिन रियलिटी उसकी ये नहीं है बल्कि ये है, रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक्चुअल फिजिकली हम देखते हैं ना कैसा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसको बना लो पूरा।